बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे, लगाएंगे चौक पे फिनिशिंग पट्टी, पलटावा, पलटा और दामन पे बेल लगाएंगे फिनिशिंग पट्टी के साथ। ये हमने बेल लगा, एक सिलाई लगा ली बेल की। ये हमने जो उस तरफ कपड़ा छोड़ा हुआ है, वो हमारी कमीज़ इतनी लंबी है, वो बाद में हम काट लेंगे। ये बेल हमने सीधी कमीज़ पर उल्टी बेल रख के लगाई है। अब इसके नीचे पलटा भी लगेगा और चौकों पे भी पलटा लगेगा। दामन पे बेल लगेगी और चौकों पे पलटावा लगेगा। दोनों दामन पे बेल लग गई हमारी। अब नीचे की तरफ पलटा लगाएंगे हम, पलटावा फिनिशिंग पट्टी। ये इस तरह सीधी तरफ रख के उल्टी तरफ से हम सिलाई इसलिए लगाएंगे कि हमें नज़र आती रहे कि कहाँ सिलाई लगनी है। इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। नीचे से भी पूरी नज़र रखनी है इसकी सिलाई की, ताकि बराबर सिलाई लगे और नीचे वाला कपड़ा सिलाई में आता रहे। दोनों दामन पे इसी तरह हम कपड़ा लगा लेंगे इस तरह। ये बेल बिल्कुल बीच में आ जाएगी इस तरह। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगाई है हमने। ये फालतू कपड़ा काट देंगे हम। ये कमीज़ इतनी लंबी थी इसलिए ये फालतू कपड़ा हमने काटा है। आपकी कमीज़ पूरी हो तो आप बराबर ही रख के लगाएं। ये दूसरी तरफ का भी हमारा ये बेल का पलटा लग गया। अभी हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये इस्त्री से प्रेस कर लें, चाहे इस तरह फिनिशिंग से लगा लें। प्रेस कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा ये पट्टी लगती है। दामन को मुकम्मल करके फिर हम चौक की पट्टी लगाएंगे। ये दामन की पट्टी, दोनों दामन मुकम्मल कर लेंगे हम इसी तरह। अब दूसरा दामन, ये हमारा मुकम्मल हो गया। अभी हम चौक की पट्टी लगाएंगे। ये हमारा चौक का कोना बिल्कुल ऊपर से लगाना शुरू करेंगे। सीधा हाथ है ये, इस तरह हल्का सा मोड़ के ये कोने से कोई आधा इंच ऊपर रख के हम सिलाई शुरू करेंगे। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट भी किया करें। ये हमारी सिलाई लग गई। चारों चौक पे इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे पलटा। ये बिल्कुल कपड़े के किनारे पे लाके हमने रोक देना है, बेल के ऊपर तक सिलाई नहीं लेके जानी। ये हमने आखिर तक आखिर से काट दिया। अब दूसरा चौक भी, दूसरा चौक का नीचे से शुरू करेंगे। किसी का सीधा हाथ होता है, किसी का उल्टा, जिस तरह से कोई किसी को आसानी हो लगाने में तो वो लगा ले। अब दूसरी सिलाई, ये थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाएंगे साथ साथ और सिलाई लगाते जाएंगे इसी तरह। ये हमारी सिलाई दूसरी भी हो गई मुकम्मल। ये अब हम इसको काट लेंगे फालतू कपड़ा। ये हमने एक लंबी पट्टी ली थी, उसको फिर आपस में जोड़ लगाए थे। आधा गज़ कपड़ा लेके हमने गले की भी पाइपिंग वगैरह सब कुछ और ये पलटावा भी उसी में से ही काट लिया था। अब हम इसको फोल्ड करेंगे सीधा। ये कोने से फालतू जो है लैस का कोने में जो फालतू लैस है वो इस तरह काटेंगे हम, ये देखें, ताकि मोड़ने में आसानी हो। ये चाहें तो कोने से आप तुरपाई से ये छोड़ दें, कोना नीचे से तुरपाई से कर लें, चाहें तो ये मशीन से। मैं तो पूरा मशीन से ही कर लेती हूँ। ये आखिर तक चौक की जो पट्टी है, इसरी से बिठा लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी।
ये साथ साथ मोड़ें और साथ साथ सिलाई लगाएं। ये अभी इसी तरह ऊपर से ही दूसरे चौक पे चले जाएंगे मोड़ के। ये दूसरे चौक की भी सिलाई हो गई मुकम्मल हमारी। इसके भी कोने से वो लेस फालतू काट देंगे ताकि कोने में ज़्यादा मोटा ना हो, मोड़ने में आसानी हो। इस तरह अब नीचे से भी सिलाई लगा लेंगे। दूसरा चौक भी हो गया मुकम्मल हमारा। ये लग गया हमारा पलटा। अल्लाह हाफिज़।